मुलाकात हो। मैं अजमेर शरीफ से पैदल हज अजमेर शरीफ के लिए निकला हूँ और जो ये अफवाह उड़ी है कि हज करने जा रहा हूँ, ये दरगाह शरीफ की तरफ पैदल रवाना हो रहा हूँ। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात से दुआ की दरख्वास्त है। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल, आप देख रहे हैं जाकिर जीत हैच यूट्यूब चैनल। आज की जो हमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो मेरे पीछे जो आप भाई साहब जो आप देख सकते हो, इससे पहले जो मैं उनका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। ये भाई साहब जो हज के लिए निकल पड़े थे, अभी जो इनको लोग पकड़ के बहुत सारे लोग उनको पूछने के बाद ये बता चुके हैं मुझसे हज के लिए निकल रहा हूँ बल्कि मुझसे गलती हो गई, वो माफ़ी चाह रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैं अभी हज के लिए नहीं, मैं तो अजमेर के लिए चल के जा रहा हूँ, ऐसा वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले इनका वीडियो में पहले वाला वीडियो में प्ले करता हूँ, वो देख लीजिएगा, उसमें बता रहे हैं कि मैं हज के लिए निकल रहा हूँ बल्कि ऐसा बता रहे हैं। और थोड़े दिन के बाद वो वीडियो वायरल होने के बाद जो बहुत सारी पब्लिक उनको पकड़ के पूछने के बाद फिर वो बताएंगे मुझसे गलती हो गई, ऐसा वो बता रहे हैं। अब पहले का वीडियो सबसे पहले मैं प्ले करके दिखाता हूँ, वो वीडियो देख लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं अजमेर शरीफ से पैदल हज अजमेर शरीफ के लिए निकला हूँ और जो ये अफवाह उड़ी है कि हज करने जा रहा हूँ, ये सब कुछ ये सब गलत है। और मैं मतलब इंटरव्यू में अगर शायद खुदा का वास्ता अगर मेरे मुंह से कहीं निकल गया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं हज के लिए नहीं अजमेर के लिए निकला हूँ और मैं आप हजरात से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि अजमेर को जा रहा हूँ, आप हजरात दुआ करिए और जो गलती हुई हो या ना हुई हो, अगर हुई भी हो तो आप उस रब का वास्ता माफ़ करना। आप मेरे पीछे देख सकते हो इनका वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है यूट्यूब पर, इसीलिए हमने यहाँ पे वीडियो बनाने का सोच लिया इनके बारे में। ये पहले जो ये शख्स जो मक्का के लिए निकल पड़े थे, अभी उनको सारे लोग इनका वायरल वीडियो वायरल होने पर इनको सारे लोग पकड़ के पूछ लिए ये कहाँ जा रहे हैं बोलकर फिर ये बता रहे हैं, तो डर के फिर बताएं क्या बताएं। मैं ज़रूर आपको इसी वीडियो में हम दिखाने वाले हैं, ये बता रहे हैं नहीं मुझसे गलती हो गई, मैं तो हज के लिए नहीं जा रहा हूँ। उनके पास तो सबसे पहले वीज़ा भी नहीं, पासपोर्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी हज के लिए निकल पड़े थे ये लोग। फिर सारे लोग उनको पकड़ के पूछने के बाद ये बताएंगे मैं हज के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं अजमेर शरीफ के लिए चल के जा रहा हूँ, वो ऐसा बता रहे हैं। प्लीज़ ये वीडियो पूरा होने तक ज़रूर देखना, आपको सच्चा न्यूज़ हम आप तक ला के दिखाते रहेंगे पूरा। ये वीडियो भाई साहब का वीडियो प्ले करता हूँ, ये वीडियो पूरा होने तक ज़रूर देख लीजिए। अजमेर की जानिब ख्वाजा फ़ख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह शरीफ की तरफ पैदल रवाना हो रहा हूँ। आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात से दुआ की दरख्वास्त है कि आप हजरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करिए कि परवरदगार आलम अपने महबूब के सदक़े सफ़र आसान फरमाए और मैं भी अजमेर शरीफ पहुँच कर आप हजरात के लिए दुआ करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्लीज़ ज़रूर से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करना आपके फेसबुक व्हाट्सअप में, जहाँ पर भी आपका सोशल मीडिया है वहाँ पर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।